उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इन दिनों नगर पालिका परिषद भवन कर को बढ़ाने के कार्यों में जुटी हुई है। इसके लिए पालिका द्वारा शहर क्षेत्र के सभी भवनों का सर्वे पूरा कर अब जन सुनवाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भवन स्वामी पालिका पहुंचकर अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। ये जन सुनवाई का कार्य वार्ड द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि हर 5 सालों में नगर पालिका की ओर से नगर में बने भवनों का सर्वे कर भवन का पुनरीक्षण किया जाता है। नगर में वर्तमान में 13 वार्ड हैं, जिनमें से 2 वार्ड नए सृजित हुए हैं। नगर के सभी वार्डों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे पहले शहर में 6,500 भवन थे, लेकिन इस बार नए जुड़े वार्डों के सर्वे ये बढ़कर 8,000 के लगभग हो चुके हैं। देखिए, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में भवनों का पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है और वर्तमान में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में भवनों का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इस हेतु बोर्ड ने तय किया है कि अलग अलग समितियां बनेंगी और वो समितियों के माध्यम से भवन कर का पुनरीक्षण किया जा रहा है। ये टैक्स जो है, देखिए, मकान की स्थिति देख करके, उसमें तमाम किराएदारों की स्थिति देख करके, ये सब उसका आकलन करके ही किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि इससे लगभग 25% जो है भवन कर और तमाम चीजों में वृद्धि है। बता दें, पालिका द्वारा सभी भवन स्वामियों के लिए जनसुनवाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भवन स्वामी अपने भवन और उसके कमरों की जानकारी पालिका में पहुंच कर दे रहे हैं। भवन स्वामियों द्वारा दर्ज कराई जा रही आपत्तियों के निस्तारण के बाद नया भवन कर लाया जाएगा। इस बार भवन कर में 25% का इजाफा किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।